अब बात करते हैं पंजाब के जालंधर की, जहां एक पुलिस थाने में चार बम ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल सका है कि थाने पर बम फेंकने वाले कौन थे। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक केमिकल के जरिए ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। जालंधर के पुलिस थाने में एक के बाद एक चार धमाके, सिलसिलेवार धमाकों से हिल गया पुलिस थाना। केमिकल बम से थाने को उड़ाने की थी साजिश। जालंधर के मकसूदा थाने के बाहर कल रात अफरा तफरी का ऐसा मंजर था कि हर किसी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी। एक के बाद एक चार धमाके हुए इसी थाने के अंदर, और धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहल गए थे। बताया जा रहा है कि रात करीब 8 बजे जब ब्लास्ट हुआ, उस दौरान मकसूदा थाने के SHO पुलिस वालों के साथ मीटिंग कर रहे थे, लेकिन धमाका होते ही सब हिल गए। पहला धमाका हुआ तो सब बाहर भागे, लेकिन इसी दौरान 3 और धमाके हुए। एट द मोमेंट हम यही बता सकते हैं कि लो इंटेंसिटी 4 छोटे बॉम्ब टाइप के होंगे, लेकिन जब रिकंस्ट्रक्शन होगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स करेंगे, उससे पता चलेगा कि क्या था। चश्मदीदों के मुताबिक जब वो मौके पर पहुंचे तो कुछ पुलिस वाले घायल हालत में दिखे, आसपास धुआं ही धुआं था। अचानक ही आवाज आई, पहले एक धमाका आया, हल्का जहा आया, उस तो बाद 3 धमाके आए बड़े जबरदस्त। अभी क्या पता नहीं गल थाने की गल हो गई, देखा थाने अंदर धुआं ही धुआं सेगा। तो अभी जल्द थाने के बाहर आए तो 2-4 मुलाजिम बाहर मिले, जिन्हें मतलब कुछ छाती को फड़ के इधर बैठे थे। अब जब ब्लास्ट किसी आतंकी साजिश का नतीजा है या किसी ने थाने को बम से उड़ाने की कोशिश की थी, इन तमाम सवालों के बीच सीनियर अधिकारियों की फौज जांच के लिए थाने में जमा हो गई। शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि धमाके के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक धमाके काफी कम क्षमता के थे।